हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सांसद दिया कुमारी का राज्य सरकार से आग्रह, 3 माह के बिजली पानी के बिल माफ करे सरकार। ऊर्जा मंत्री राबीडी कल्ला से मुलाकात कर दिया ज्ञापन। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने राजस्थान के ऊर्जा मंत्री राबीडी कल्ला से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन दिया। सांसद दिया कुमारी ने राज्य सरकार से सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उपभोक्ताओं के माह मार्च अप्रैल और मई के बिजली एवं पानी के बिलों को माफ करने का अनुरोध किया है। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को केंद्र सरकार ने राष्ट्र आपदा घोषित किया हुआ है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश को लगभग 2.5 माह से लॉकडाउन किया हुआ है, जिसकी वजह से सभी तरह से उद्योग धंधे पूर्ण रूप से बंद हैं। लॉकडाउन के चलते हर वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावित हुआ है। राजस्थान सरकार द्वारा बिजली के बिलों पर सभी विलंब शुल्क जोड़कर 3 महीने का बिल एक साथ भरने के निर्णय ने आर्थिक संकट से जूझ रहे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डाल दिया है। जी बिल्कुल, मंत्री जी से फिर से निवेदन करने आई थी कि जो 2 महीने के बिजली पानी के बिल हैं उनमें उनको पूरी तरह से माफ़ किया जाए। माफ़ करने की बजाय अब तो ये है कि 31 मई तक अगर पेमेंट नहीं होगा तो 2% पेनल्टी लगी जाएगी। उसके लिए भी मैंने उनको कहा कि बिल्कुल भी कहाँ से पॉसिबल है, सभी लोगों घर में बैठे हुए हैं, दुकानें बंद हैं, उद्योग पूरी तरह से ठप है, किसी भी प्रकार से कोई बिजली के बिल कहाँ से पे करें। तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करने आई थी, एक बार फिर निवेदन करने आई थी कि इसका कोई ना कोई सलूशन निकाले और 2 महीने के बिल माफ किए। ऐसे में मार्च अप्रैल व मई का स्थगित बिल एक साथ मई ब्याज और पेनल्टी वसूलना आम जन के साथ अन्याय होगा। सांसद दिया कुमारी से राज्य सरकार से आदेश तुरंत प्रभाव से वापस लेने और 3 माह का बिजली और पानी के बिल माफ कर जनता को राहत प्रदान करने का अनुरोध किया है। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।